नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आ गई साक्षी की हकीकत सामने। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने आपको बताया था। वेल, अर्जुन और साक्षी मिले हुए हैं। वेल, यहाँ पर आपको बता दें कि जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, ये सारी चीजें साक्षी करवा रही है। ये सारी हरकतें सिर्फ और सिर्फ उसी की है। अब समझ आई कि उसका मकसद क्या है। पहले भी उसका जो मकसद था वही मकसद अब भी है, यानी कि वीरेंद्र और बच्चों को पाना और पूर्वी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। लगातार वो यही करते नजर आ रही है। वेल, यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या रहा सच। ये देख लीजिए, यहाँ पर जब पूर्वी पहुंचती है वीरेंद्र के पास और कहती है बच्चों को किडनैप कर लिया है अर्जुन ने, तो बस ये सारी इंफॉर्मेशन साक्षी पहुंचा चुकी होती है। बहुत परेशान होती है, पुलिस स्टेशन भी पूर्वी पहुंची होती है, ये खबर भी अर्जुन को लग गई होती है। और यहाँ पर बहुत परेशान नजर आती है पूर्वी, और ये सब कुछ देखकर कहीं ना कहीं से साक्षी बेहद खुश होती है। पूर्वी सोचती है कि बच्चे कहाँ गए हैं। पहले तो वो पुलिस स्टेशन पर झूठ बोलती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। वो ये बात वीरेंद्र को बताती है और फिर वीरेंद्र भी यहाँ पर पूर्वी को काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से पूर्वी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए साक्षी हरकतें करती नज़र आ रही, और साक्षी पर आँख बंद करके विश्वास करती नज़र आ रही है पूर्वी। कितना बड़ा एक बार फिर से पूर्वी को धोखा देती नज़र आई साक्षी। वेल, यहाँ पर बच्चों को कैद कर रखा है इस जगह पर जिसका पता सिर्फ और सिर्फ साक्षी को है। वेल, साक्षी यहाँ पर सब कुछ बात खत्म होने के बाद पहुँचती है और फिर वही होता है जिसका अंदाज़ा बहुत पहले से था। दोनों हाथ मिलाते नज़र आते हैं। अर्जुन कहता है मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद साक्षी कहती है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो तुम अर्जुन, और जैसा प्लान था वैसा ही चल रहा है। वेल, अब समझ आया कि अर्जुन ने क्यों साक्षी से नफरत करने का आइडिया किया था, क्यों किसी भी तरीके से पूर्वी को अपने ग्रिप में लेने के लिए साक्षी ने ये सारा प्लान किया था। फिलहाल ये सच सामने आ चुका है और ये सच अब जल्द पूर्वी को भी पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।